हेलो फ्रेंड्स, बैक टू बैक माय सिविल पॉइंट चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे पास एक कटिंग लेंथ ऑफ द पाइल होती है, उसको उसी कटिंग को हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ पाइलें होती हैं, जैसे कि हाउ मच कैलकुलेट ऑफ द कटिंग लेंथ ऑफ द पाइल्स, जैसे कि हेलिकल्स और ट्रिपल जो पाइल्स होती हैं, उस पाइल के अंदर से हमको कटिंग लेंथ निकालनी होती है कि इसके अंदर कितने मीटर की स्टील लगता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने एक जो डायग्राम बनाया है, जो मेरे पास एक डाया है, ये मान लीजिए हमारे पास एक पाइल की जो लेंथ है, तो आपने देखा कि ये लेंथ है उसके ये एलिवेशन के ऊपर मतलब की हुई है। तो इसमें ये देखना है कि ये हमारे पास ये इस कटिंग लेंथ का डाया या कितने मीटर का स्टील इसके अंदर कटिंग लेंथ में मिलता है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंने जो एलिवेशन किया है, जो प्लान किया है उसके हिसाब से। तो अब देखें कि हमारे पास जो पाइल है, उस पाइल की जो हाइट है ना, वो हाइट है 4000 mm। इस पाइल की जो हाइट है वो 4000 mm है, और इसके अंदर जो रिंग प्रोवाइड किया गया है, इसके अंदर जो ड्रम्स है रिंग के, उसको प्रोवाइड किया है, उसकी जो सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग रहेगी रिंग की, वो 200 mm स्पेसिंग रहेगी। तो उसके बाद हम चलते हैं, जैसे कि हमारे पास जो रिंग टर्न कर रहा है पाइल से बाहर से, तो उसको मैंने एक सर्कुलेशन में लिया है। उस सर्कुलेशन लेने के बाद इसमें देखा गया है कि 40 mm का इसके अंदर क्या है क्लियर कवर भी डाला गया है कंक्रीट का, और इसके बीच का जो डाया है वो 900 mm का डाया है समेत, मतलब कंक्रीट समेत इसका 900 mm का डाया है। तो ये प्लान में तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, जो हमारे पास जो रिंग है उस रिंग का सर्कमफ्रेंस निकालते हैं कि कैसे कितना इसका डाया हमको चाहिए। तो हम देखते रहते हैं, सबसे पहले मैंने इसकी हाइट कितनी रखी थी 4000 mm रखी। फिर इसके अंदर क्लियर जो कवर है हमारे पास वो कितना है, हमारे पास 40 mm का क्लियर कवर रखा। और उसके बाद निकालना है कि डाया ऑफ स्ट्रिप मतलब इसका डाया निकालना है, कितना डाया इस रिंग का है, जो हमारे पास ये पाइल है उस पाइल के अंदर जो मतलब जो ट्रम कर रहा है रिंग, उस रिंग का सर्कुलेशन डाया कितना है विदाउट कंक्रीट। तो उसके बाद देखा गया है कि जो हमारे पास 900 mm का इसका जो डाया है, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो कवर के अंदर जो क्लियर कवर लगा रखा है 40 mm का है, वो माइनस करेंगे तो दोनों साइड का जो कवर माइनस करेंगे तो माइनस में 2 × में क्लियर कवर। तो 900 mm माइनस में 2 × में क्लियर कवर हमें कितना का रखा, 40 का। तो 40 यहाँ इंटू करेंगे तो इनका दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करने के बाद हमारे पास क्या है 820 mm का ये डाया का जो सर्कमफ्रेंस है वो रिंग है वो 820 mm का डाया के हिसाब से रिंग कटिंग होएगा। और उसके बाद हम चलते हैं आगे कि अब बता रहा हूँ कि जैसे कि हमारे पास जो कटिंग लेंथ होगी, हमारे पास जो कटिंग लेंथ ऑफ द हेलिकल स्ट्रम्स, जो हमारे पास कटिंग लेंथ होगी उसकी कितने ये लेंथ है वो कितने मीटर की बनेगी उसके बारे में बता रहा हूँ। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि n = √c का स्केयर प्लस में s का स्केयर। अब आप पूछो कि ये c क्या चीज़ होती है, s क्या होता है स्केयर में, n क्या चीज़ होती है, तो मैंने पहले इसकी इन्फॉर्मेशन पहले अब मैंने लिखा हुआ है कि जो n होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं कि जो पाइल से बाहर से घूम के जो सर्कुलेशन में रिंग आ रहे हैं तो कितने टर्म में घूम रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। फिर c का क्या मतलब होता है, c का सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्टीरप्स भाई इसका कितना डाया है। एस क्या होता है, इसकी स्पेसिंग ऑफ द स्टीरप्स, इसकी स्पेसिंग मतलब सेंटर से सेंटर की जो स्पेसिंग है वो कितनी है, उसको बोलते हैं स्पेसिंग ऑफ द स्टीरप। तो सबसे पहले n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हाइट डिवाइड में स्पेसिंग। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 4000 mm, 4000 लिखेंगे। स्पेसिंग हमारे पास कितनी है, हमारे पास इसमें 200 mm लिख के इसकी जो इसका जो आंसर रहेगा मतलब काटने के बाद वो 20 टर्म्स मतलब के 20 राउंड होंगे इसके रिंग के इसके से। उसके बाद सी क्या है, सी हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्टीरप होता है। सी का कैसे निकालते हैं, सी होता है कि जो हमारे पास सर्कुलेशन होती है इसकी सर्कल के अंदर सर्कमफ्रेंस होता है, इसका जो डाया होता है वो पाई बाई डी होता है। पाई बाई डी कोई भी मतलब सर्कुलेशन
सर्कल के अंदर जो चीज़ होती है उसको पाई बाई डी में इसका मतलब निकालना होता है। तो हम पाई की वैल्यू कितनी 3.14 इंटू में डी हमारा डाया कितना निकला था, डाया कितना निकला था इसका रिंग का 820 mm। तो 820 mm दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2574.8 mm आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास सभी तीनों वैल्यू मिल चुकी है, एन की वैल्यू मिल चुकी है, सी की वैल्यू मिल चुकी है और एस की वैल्यू मिल चुकी है। तो ये वैल्यू सारी इस फार्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे। तो पुट क्या हुआ, कैसे करेंगे कि 20 के हैं एन, एन हमारे पास 20 टर्म्स निकले थे और इज इक्वल टू अंडर रूट का मतलब सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमारे पास 2.574.8 mm है और एस के स्पेसिंग 200 mm के रहे। तो इसको हम इसकी मतलब स्केल तोड़ने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या जाता है कि 5167 mm अभी mm है। तो हमको निकालना है क्या है कि हमको कितना सरिया स्टील कटिंग लेंथ लॉन्ग में लेंथ में लगेगी, मान लें ये स्टील लेंथ कितनी कटिंग होगी, ये हमको निकालना है। तो उसके निकालने के कहते हैं कि हम उसको मीटर में काउंट कर लेते हैं कि इसको मीटर में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 51.64 मीटर कटिंग लेंथ, मान लें एक स्टील की जो कटिंग लेंथ होगी वो हमको 5167.4 मीटर के लेंथ के हिसाब से कटिंग करनी होगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो ऐसे ही पाइल्स पे, पाइल कैप पे वगैरह आती रहेगी। और आपको अच्छी वीडियो लगे तो कमेंट और शेयर में ज़रूर बताना। थैंक यू।